आज मैं आपके सामने मैथ्स का ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने क्लास 11th की मैथ्स की आर डी शर्मा की बुक से लिया है। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, इन ट्रायंगल एबीसीडी बी द एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर टेकन इन ऑर्डर प्रूफ दैट कॉस 180 माइनस ए प्लस कॉस 180 प्लस बी प्लस कॉस 180 प्लस सी माइनस साइन 90 प्लस टी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ये बोलना है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है जिसमें एंगल ए बी सी डी जो है ऑर्डर में लिए गए हैं, तो हमें यहाँ पर ये प्रूफ करके दिखाना है। यानी कि हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, मैं यहाँ पे लिख दूँ टू प्रूफ कॉस 180 माइनस ए प्लस कॉस 180 प्लस बी प्लस कॉस 180 प्लस सी माइनस साइन 90 प्लस टी इक्वल टू जीरो। ये प्रूफ करके दिखाना है, यानी कि ये हमारा एलएचएस साइड हो गया और इक्वल टू के बाद जीरो ये हमारा आरएचएस, यानी कि हमें ये एलएचएस को आरएचएस के बराबर लेकर आना है, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एलएचएस को लेकर चलेंगे और इसको जीरो के बराबर लेकर आएंगे। तो इससे पहले हम पहले ये जान लें कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता क्या है। यहाँ क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर लिखा हुआ है, इसको समझ लेते हैं किसे कहते हैं। आपने 10th में पढ़ा होगा। तो पहले क्वाड्रिलेटर किसे कहते हैं, क्वाड्रिलेटर आप जानते हैं जिसके चार साइड होते हैं। आप जैसे ही बना लीजिए बस उसमें चार साइड होते हैं, ये हो गया क्वाड्रिलेटर हमारा। अब साइक्लिक का मतलब क्या होता है, कि साइक्लिक का मतलब होता है कि ये क्वाड्रिलेटर सर्कल के अंदर हो और इस तरीके से हो कि इसके जो चारों वर्टेक्स हों, चारों वर्टेक्स आप समझ रहे हैं ना, ये देखिए ये इस तरीके से ये वर्टेक्स ये रहा, ये देखिए ये चार कॉर्नर 1 2 3 4 ये चारों, अगर क्वाड्रिलेटर का चारों कॉर्नर सर्कल पे टच करता हो तो इसे हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। और क्वाड्रिलेटर सर्कल के अंदर होना चाहिए और चारों वर्टेस टच करने चाहिए, तो ये हो गया हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। अब इसमें ये कह रहा है कि एंगल, ये देखिए क्या लिखा हुआ, एंगल ए बी सी डी जो है क्या है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का एंगल है और उनको ऑर्डर में लिया गया है। ऑर्डर मतलब कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पर ए है, ठीक है, तो ए के बाद बी कहाँ होगा, अब बी कहीं भी नहीं ले सकते, बिल्कुल इसके सामने यहाँ होना चाहिए इस तरीके से ऑर्डर में। ए बी, बी के बाद क्या आएगा, सी यहाँ आएगा, तो सी यहाँ नहीं लिखना है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ए के बाद बी, बी के बाद सी और यहाँ पर डी, तो ये ऑर्डर में इस तरीके से लिया गया ए बी सी डी। और अगर आप इस तरीके से लेते हैं, मान लीजिए कि मैं यहाँ समझा दूँ, जैसे ये मान लीजिए हमारा क्या, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, मैंने डेफिनेशन बता दिया, चारों वर्टेक्स जो है सर्कल पे टच होना, ये टच होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा टेढ़ा बन गया है। तो अब अगर आप ए बी सी डी एंगल लिखेंगे तो इस तरीके से नहीं लिखेंगे, ए यहाँ है तो बी यहाँ है, बी यहाँ है तो सी यहाँ है और डी यहाँ है, तो ये इसको गलत माना जाएगा। या तो आप ए बी सी डी लीजिए, या तो आप साइक्लिक में लीजिए, क्लॉकवाइज लीजिए, या तो फिर आप एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से लीजिए। ठीक है, तो हमारा ये जो है इस तरीके से ऑर्डर में यहाँ पर ले लिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा एंगल ए बी सी डी है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी आपको ध्यान रहना चाहिए। आपने पढ़ा होगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो, जिस साइक्लिक क्वाड्रिलेटर जो होता है उसका अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ पर एंगल ए है, इसका अपोजिट एंगल क्या सी है, तो इनका सम यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी जो है वो किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। उसी तरीके से यहाँ पर एंगल डी है और इसका अपोजिट क्या है, एंगल बी, तो इन दोनों का जो सम है ये किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन सेकंड मानिए। तो ये जो क्वेश्चन है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का जो प्रॉपर्टी है, जो थ्योरम है, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पर एलएचएस लेकर चलते हैं। एलएचएस हमारा यहाँ पर क्या है, एलएचएस है हमारे यहाँ पर कॉस, ये देखिए एलएचएस है कॉस 180 माइनस ए प्लस कॉस 180 प्लस बी प्लस कॉस 180 प्लस सी माइनस साइन 90 प्लस डी। ये एल एच एस हम लेके चल रहे हैं, उसके बाद इसको जीरो के बराबर हम लेके आएंगे। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि कॉस 180 माइनस सी किसके बराबर होगा, उस तरीके से कॉस 180 प्लस बी किसके बराबर होगा, यहाँ पर कॉस 180 प्लस सी ये किसके बराबर होगा और साइन 90 प्लस डी ये किसके बराबर होगा। तो आपने डायरेक्ट फार्मूला ही पढ़ा होगा, मैं इसको आपको क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको इजीली इसी वे में समझा देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यह क्या करूँगी, यहाँ पर इसको जो है इस तरीके से मैं इसको डिलीट करके यहाँ पर आपको समझाना चाहूँगी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास और क्या है यहाँ पर, ये रहा इसको मैंने, हाँ तो पहले मैं इसको क्वाड्रेंट समझाऊँगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्वाड्रेंट बनाती हूँ, यहाँ पर
ये क्वाड्रेंट, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड है, और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट वाले में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब कि छह फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, और क्या होता है आपका कॉट होता है। तो ये छह फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन, और साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसिक। तो केवल ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी बचे आपके चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन दोनों को छोड़कर सब नेगेटिव रहेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टैन, और टैन का अपोजिट क्या होता है, कॉट। केवल ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, और इन दोनों को छोड़कर बाकी जो होंगे फंक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होंगे। अब यहाँ पे क्या है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। अब यहाँ पे क्या आता है, कॉस, और इसका उल्टा होता है सेक। तो केवल ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी नेगेटिव रहेंगे। तो अब इस क्वाड्रेंट को आप समझ लीजिए, ये आप ध्यान में रखिए। अब इस क्वाड्रेंट की हेल्प से हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि कॉस 180 माइनस है किसके बराबर होगा। तो आप देखिए, कॉस के बाद यहाँ क्या लिखा है, 180। तो 180 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर देखिए, ये जीरो डिग्री एंगल होता है। यहाँ पर मैं बता दूँ, जीरो डिग्री एंगल, एक मिनट मैं इसको और अच्छे से समझा दूँ। हाँ यस, ये रहा, और हाँ इस तरीके से। तो अब यहाँ पर देखिए, ये मैंने क्वाड्रेंट यहाँ बना दिया है, ठीक है। तो ये होता है, यहाँ पर क्या रहता है, जीरो डिग्री रहता है, ठीक है। यहाँ पर ये रहा, ये रहा जीरो डिग्री, ये रहता है 90 डिग्री। सॉरी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे, ये रहा 90 डिग्री, और ये क्या रहता है हमारा, ये हमारा रहता है 180, ठीक है, ये हो गया। और ये क्या है, 270, और यहाँ पर क्या आता है, 360, ठीक है ना। ये हो गया, आप राइटिंग में मजा आएगा, समझने से रखिएगा मतलब, ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, कॉस 180 माइनस है, ये 180 है ना। तो 180 देखिए क्या, ये 180 है, ये 180 हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है एक्स एक्सिस पर। तो 180 या 0 या 360, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता है, ये जो मेन एंगल है 180, तो ये फंक्शन चेंज नहीं होता है, कॉस है तो कॉस ही रहेगा। तो यानी कि ये कॉस 180 माइनस है, तो पहले यहाँ पर आप लिख दीजिए, फंक्शन चेंज नहीं होगा तो ये कॉस रहेगा। अब हमें ये देखना है कि इस 180 में अगर हम एंगल ए माइनस करेंगे, तो ये पूरा जो कॉस 180 माइनस है, ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो कैसे समझेंगे। तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, हमने कॉस का कॉस यहाँ लिख दिया है। अब देखिए 180 है, अब इसमें क्या बोला, ए एंगल को माइनस कीजिए, देखिए माइनस ए है। अब 180 में आप एंगल माइनस करेंगे, कुछ भी इसमें माइनस करेंगे, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक केवल पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव रहेगा। तो साइन कॉसिक छोड़ दीजिए, तो बाकी में क्या आ जाएगा, कॉस आएगा, यानी कि हमारा निगेटिव होगा। तो माइनस कॉस ए होगा, ये किसके बराबर होगा, कॉस 180 माइनस क्या होगा, माइनस कॉस ए के बराबर होगा। और डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप है कि कॉस 180 में कोई भी एंगल आप माइनस करते हैं, तो वो माइनस कॉस एंगल के बराबर आता है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आप याद किए तो भी लिख सकते हैं, अदरवाइज क्वाड्रेंट यहाँ बना दीजिए, क्वाड्रेंट की हेल्प से आप इजिली बता सकते हैं कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, और फंक्शन चेंज होगा कि नहीं, ठीक है। तो ये कॉस 180 माइनस ए किसके बराबर हो गया, माइनस कॉस ए के बराबर हो गया। अब यहाँ पर क्या है, इसके बाद ये देखिए क्या प्लस साइन है ना, यहाँ पे इसको अच्छे से बनाइए, ये प्लस, यहाँ पे प्लस लिखिए। अब यहाँ पर क्या है, cos 180 प्लस बी, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए फंक्शन चेंज होगा कि नहीं, तो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे क्या है, पहले 180 डिग्री लिखा हुआ है ना, तो 180 हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो cos है तो cos ही रहेगा, तो यहाँ पे cos लिखिए, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए प्लस के बाद, क्योंकि आप ये देखना है कि ये हमारा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा के आप माइनस करके लिख सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्पेस छोड़ा है। अब देखिए क्या है, 180 में एंगल बी जोड़ा जा रहा है, कोई एंगल जोड़ा जा रहा है, तो ये 180 है। अब इसमें आप कोई भी एंगल जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो कहाँ आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में तो आएगा, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट केवल पॉजिटिव है, देखिए टैन और कॉट, तो टेबल टैन कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव। तो बाकी में हमारा क्या है, कॉस आएगा, तो यानी कि इस थर्ड क्वाड्रेंट में ही 180 प्लस बी का मतलब क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, यहाँ पर हमारा टैन कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव, यानी कि ये हमारा निगेटिव होगा, यानी कि माइनस कॉस बी होगा। तो देखिए इसीलिए मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ा था, अब यहाँ माइनस है ना, तो इसको ब्रैकेट में लिखिए, ये हो गया। अब ये क्या है, प्लस है, तो पहले आप प्लस यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो जो क्वेश्चन में साइन आप यहाँ लिख दीजिए। अब यहाँ पर इस पर जाइए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कॉस 180 प्लस सी है, यहाँ पर क्या था 180 प्लस बी है, तो सेम रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ सेम रहेगा, यानी कि ये निगेटिव हो जाएगा, जैसे मैंने अभी इसको समझाया, तो मैं फिर से समझाती हूँ, यहाँ क्या 180 है, तो 180 इसमें आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो यहाँ पर फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये कॉस है तो कॉस ही रहेगा,
अब इस 180 में आप एंगल सी जोड़ रहे हैं, तो देखिए आप 180 में कोई भी जोड़ेंगे तो किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन कॉट पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव होगा, माइनस कॉस सी होगा। तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्या माइनस, तो पहले आप साइन लगाइए माइनस। अब ये क्या है, साइन 90 प्लस डी, माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे साइन 90 प्लस डी, अब देखिए 90 आ रहा है, 90 का ये देखिए 90 क्या वर्टिकल लाइन पे आ रहा है। तो वर्टिकल लाइन पे अगर है एंगल, देखिए 90 है ना वर्टिकल लाइन पे है, तो यहाँ पे फंक्शन चेंज हो जाएगा। फंक्शन चेंज हो जाएगा मतलब कि साइन है, तो साइन का साइन को चेंज कर देंगे उल्टा, तो इसका हो जाएगा कॉस। यानी कि साइन का फंक्शन चेंज होने का मतलब साइन है तो कॉस के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ पे कॉस रहेगा तो कॉस है तो साइन के बराबर हो जाएगा। अगर इस साइन की जगह टैन होता और ये 90 प्लस डी होता तो 90 किस पे आ रहा है, वर्टिकल लाइन पे आ रहा है। तो वर्टिकल लाइन में अगर यहाँ पर टैन लिखा होता साइन की जगह, तो यहाँ पर फंक्शन चेंज होता, यानी कि टैन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा साइन है, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, हमारा कॉस हो जाएगा। ये चेंज हो गया यहाँ पर, ठीक है, तो ये कॉस हो गया। अब यहाँ पे क्या है 90 प्लस डी है, तो देखिए अब यहाँ देखना है कि ये फंक्शन तो चेंज हो गया, अब ये देखना है कि ये पॉजिटिव होगा पूरा कि नेगेटिव होगा। तो देखिए 90 ये है, अब इसमें कोई एंगल जोड़ेंगे तो किस में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वार्टर में आप देखिए साइन कॉसिक पॉजिटिव है, तो देखिए साइन पॉजिटिव है, यानी कि ये यहाँ पर साइन लिखा हुआ यानी कि पॉजिटिव रहेगा, यानी कि ये माइनस क्वेश्चन वाला जो लगा दिया, अब ये क्या हो जाएगा, कॉस डी होगा, यानी कि साइन पॉजिटिव। देखिए आप यहाँ पर सेकेंड 90 में कोई भी एंगल जोड़ेंगे तो किस में आएगा, सेकेंड क्वार्टर में, सेकेंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव है ना, तो इसलिए ये साइन कॉस डी होगा, नेगेटिव साइन यहाँ नहीं होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव है तो फंक्शन चेंज, यानी कि कॉस, और साइन पॉजिटिव है तो इसलिए कॉस डी हो जाएगा। कैसे पता चलेगा, ये देखिए साइन है ना, तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है ना, इसलिए यहाँ पर हमने ये तो क्वेश्चन वाला माइनस था, बाकी आप कॉस डी लिख दीजिए। ये आया हमारे पास, अब इसको थोड़ा और सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ए प्लस माइनस माइनस कॉस बी प्लस माइनस कॉस सी, और ये क्या है माइनस कॉस डी, ये आया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का जो प्रॉपर्टी है, इसका यूज़ यहाँ पर होगा। कैसे होगा, पहले मैं ये क्वाड्रेंट जो है इसको रहने दीजिए। ठीक है, ये क्या है एंगल ए प्लस एंगल सी है ना, तो देखिए ये जो हमारा जो आया है ना, इनमें से कोई दो एंगल आप सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी दो एंगल। मैं यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी सेलेक्ट कर रही हूँ, और एंगल ए और बी की वैल्यू जो है मैं यहाँ से लेकर आऊँगी। तो इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ से एंगल ए की वैल्यू क्या आएगी, एंगल ए इक्वल टू ये एंगल सी इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल सी, ये हो गया। अब उसी तरह से सेकंड इक्वेशन, यहाँ से एंगल बी की वैल्यू निकालिए, तो एंगल बी इक्वल टू ये 180 यहाँ लिखिए माइनस, और ये क्या है एंगल डी इधर लेकर आएंगे तो इसके माइनस में चला जाएगा, ये आया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एंगल ए इसके बराबर है और एंगल बी इसके बराबर है, तो यहाँ पर हमने ये दो एंगल सेलेक्ट किए हैं, तो यहाँ पर एंगल ए और बी की वैल्यू हम ये लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, ये क्या माइनस कॉस, ये क्या एंगल ए है, किसके बराबर है एंगल ए 180 माइनस एंगल सी के बराबर है, फिर क्या माइनस कॉस, ये बी है ना, तो एंगल बी किसके बराबर है 180 माइनस एंगल टी के बराबर, ये हो गया। केवल दो एंगल को चेंज करना, बाकी ये सी और डी ऐसे ही रहेगा, तो इसको ऐसे ही लिखिए कॉस सी माइनस कॉस टी लिख दिया, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है माइनस, या माइनस लगा माइनस लगाइए। अब इस पर ध्यान दीजिए, कॉस 180 माइनस सी है बिल्कुल सेम, फिर क्वाड्रेंट में आप जाएंगे, यहाँ देखिए 180 यहाँ पर है, ये देखिए ये जो 180 है, तो यहाँ पर देखिए 180 हॉरिजॉन्टल लाइन में, यानी कि यहाँ पर फंक्शन चेंज नहीं होगा, यानी कि ये जो कॉस है तो कॉस का कॉस ही रहेगा। अब ये देखना है कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव, तो देखिए 180 में एंगल सी माइनस किया जाए, तो 180 में आप कोई भी एंगल माइनस कीजिए तो किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक क्या है, पॉजिटिव है, साइन और कॉसिक क्या पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव है, यानी कि ये 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 माइनस साइन तो आपका यहाँ पर लगा रहेगा। ठीक है, इस माइनस से मतलब नहीं, माइनस यहाँ लिख दीजिए, बाकी ये 180 में अगर आप एंगल सी माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसिक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पर ये जो कॉस है नेगेटिव होगा, यानी कि हम माइनस साइन लगाएंगे, माइनस कॉस एंगल सी, आपको समझ में आ गया। ये माइनस यहाँ लिख दिया, बाकी कॉस 180 माइनस सी जो है ये माइनस कॉस सी के बराबर हो गया, ये आपको समझ में आ गया। अब क्या है माइनस, ये लगा दिया माइनस, अब इस पर भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी सेम यही चीज़ फॉलो होगा, ये क्या होगा कॉस 180 माइनस डी निगेटिव होगा, तो क्या होगा माइनस कॉस एंगल डी के बराबर होगा, ये आपको समझ में आ गया। फिर क्या, ये माइनस कॉस सी माइनस कॉस डी, ये आया हमारे पास। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा कॉस एंगल सी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा कॉस एंगल टी और माइनस क्या है कॉस सी माइनस कॉस टी। ये आया, आप देख सकते हैं ये कॉस सी है, ये भी कॉस सी है, इसका साइन पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो कैंसिल, यहाँ प्लस कॉस टी है, यहाँ माइनस कॉस टी, कैंसिल, तो ये किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर। और देखिए हमें टू प्रूफ क्या करना था, यहाँ पर हमारा ये जीरो के बराबर आ गया, जीरो के बराबर, और ये आर एच एस है हमारा, आर एच एस यही लगे लेके आना था, तो ये आर एच एस हमारा यहाँ पर ये आ गया, यानी कि हमारा जो एल एच एस है ये आर एच एस के बराबर है, ये हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।